जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित आयुर्वेद विभाग के 8 दशक से भी अधिक पुराने भवनों को डिसमेंटल किया जाएगा। पिछले वर्ष ही इन भवनों को अनसेफ घोषित किया गया है। आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला परिसर स्थित 3 से 4 भवनों को डिसमेंटल किया जाना है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 30 सितंबर की डेट तय की है। जानकारी के अनुसार आयुर्वेद अस्पताल का पुराना भवन, जिसमें स्टोर भी है, के अतिरिक्त 1-2 अन्य भवन हैं, जो कि विभाग के ही हैं, उन्हें अनसेफ घोषित किया गया है तथा अब उन्हें डिसमेंटल किया जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार ये भवन वर्ष 1935 के समय के हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन भवनों को डिसमेंटल करने उपरांत मुख्यालय को नए भवन निर्माण हेतु प्रपोजल भेजी जाएगी, जिसकी स्वीकृति मिलने उपरांत जिला आयुर्वेदिक अस्पताल नए भवन का एस्टीमेट तैयार करवाएगा। विभाग की माने तो आगामी वर्षों में ये अस्पताल अपग्रेड भी हो सकता है और यहाँ पर बिस्तरों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखकर और धर्मशाला के स्मार्ट सिटी होने के चलते स्मार्ट सिटी के मानकों अनुरूप ही इसका आगामी एस्टीमेट तैयार करवाया जाएगा। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जो भावी जरूरतें होंगी, उसी के तहत नए भवन का एस्टीमेट तैयार करवाया जाएगा। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सुनीता पुरी ने कहा कि आयुर्वेद विभाग से 3-4 भवन हैं जो कि अनसेफ घोषित हो चुके हैं। इन भवनों को डिसमेंटल करने हेतु तो लोक निर्माण विभाग ने 30 सितंबर की तिथि तय की है। ये भवन लगभग 1935 के हैं। पुराने भवनों को डिसमेंटल करने उपरांत मुख्यालय को प्रपोजल भेजी जाएगी, जिसकी स्वीकृति मिलने पर नए भवन का एस्टीमेट स्मार्ट सिटी के मानकों अनुरूप तैयार किया जाएगा। भविष्य में ये अस्पताल अपग्रेड होता है, ऐसी सभी बातों का एस्टीमेट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा। ये अनसेफ हो चुकी है जी, डिक्लेयर, तो इसको अब डिसमेंटल किया जाएगा बिल्डिंग को। ये उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 30 सितंबर की डेट दे रखी है, तो आजकल इसको मतलब उसी की तैयारी में चले हुए हैं हम। ये जी 1935 से एग्जिस्ट कर रही है, 1935 से। ये 3-4 हैं जी। हाँ जी, एक तो हॉस्पिटल है, ये स्टोर है हमारा, ऐसे करके इसको जब ये डिसमेंटल हो जाएगी तो उसके बाद ये इसके लिए प्रपोजल भेजी जाएगी डिपार्टमेंट को। फिर वहाँ से अगर इसकी कोई अप्रूवल आती है तो उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट सिटी के तहत उनके पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसकी जो एस्टिमेट बनवाया जाएगा। फिर जब प्रपोजल आती है तो प्रपोजल जो है वो अप्रूव होके आएगी तो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा फिर इसको। जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डी ऑफिस नहीं है, स्टोर नहीं है हमारे पास, तो इस टाइप में एक्सरे रूम नहीं है अभी तक इस तरह से, और हो सकता आने वाले टाइम में ये हॉस्पिटल अपग्रेड भी हो। अभी 10 बेडेड है, 20 बेडेड हो, उसके बाद 50 बेडेड हो, उस हिसाब से हम अप्रूवल भेजेंगे, ये प्रपोजल भेजेंगे तो अप्रूवल उसकी आएगी तो उसी अकॉर्डिंग। क्योंकि ये तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्हीं के आदेशानुसार किया जाएगा ये काम सारा ही।